ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਣਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ना ये उठ सकती है ना ये पासा अपना बदल सकती है। यू जिन्ना चेर कोई सपोर्ट ना करेगा ये बेटी उठ के बैठ नहीं सकती। यदि जी गर्दन की मूवमेंट है वह भी ज़्यादा नहीं कर सकती। अक्सर ही पंजाब दे विच तुसी कई पंजाब पुलिस दीयां माड़ियां तस्वीरां देखियां होणगियां, पर अज असी तुहानू एक चंगी तस्वीर दिखाण जा रहे हैं जिथे कि मदद दे लई अगे आए ने अमृतसर तो ASI दलजीत सिंह ते उन्हां दे वल्लों एक छोटी जिही बच्ची की जिहड़ी मदद की जा रही है। तो पहलां असी तुहानू उस बच्ची दे घर दे हालात दिखावांगे कि हालात काफ़ी माड़े ने। तुसी देख सकते हो कि एक कमरा जिहड़ा कि काफ़ी माड़ा दिखाई दे रहा, तो उत्थे ही एक जिहड़ी छोटी जिही बच्ची है जिहड़ी कि 8वीं क्लास दे विच पढ़दी है उहदी बैक साइड खराब हो चुकी है, जिस तों बाद किसी भी तरह का वो चल नहीं पा रही, तो इस वाले मंजे ते लम्मे पई हुई है। तो तुहानू असी दिखा रहे हैं, तुसी देख सकते हो कि यह है वह नौजवान कुड़ी 8वीं क्लास जिहड़ी पढ़ती है। तो इहदे सुपने ने काफ़ी वड्डे ने, पर वह सुपने पूरे नहीं हो सके क्योंकि उसकी जिहड़ी कि बैक साइड है जिहड़ी वह खराब हो चुकी है। तो होस्पिटल दे वल्लों काफ़ी वड्डा इलाज जिहड़ा कि इहदा दस्सिया गया था, पर गरीब परिवार होने करके इहदा इलाज जिहड़ा कि नहीं हो पा रहा सी। तां अज ASI दलजीत सिंह अगे आए ने, जो कि लगातार आम जिहड़े नौजवान हुंदे ने जां फिर होर भी गरीब परिवार तों हुंदे ने उहनां दी आवाज़ उठाउंदे ने, तां उहनां दा साथ दिंदे ने। तां इहनां नूं जदों इस बच्ची बारे पता लगदा तां अज फिर उह इहनां दे घर दे विच पहुंचदे ने, तां बच्ची दे हालात जानण दे लई पहुंचदे ने। तुसीं देख सकदे हो कि असीं तुहानूं जिहड़ी इक तस्वीर दिखा रहे हैं इह 8वीं क्लास दे विच पढ़दी है बच्ची, पर इसकी जिहड़ी कि बैक साइड है वह खराब हो चुकी है, जिस तों बाद पंजाब पुलिस के जिहड़े ASI दलजीत सिंह ने वह अगे आए हैं। तो उन्होंने भी असी अज गलबात करांगे। हाँ जी सर, की कहना चाहते हो जी, तुसी मदद के लिए अगे आए हो, पहला भी काफ़ी जिहड़े आम लोग ने उन्हां दी आवाज़ उठाते हो, गरीब जिहड़ियां तीआं हुंदियां ने उन्हां दे विआह भी लगातार तुसी कर रहे हो जी। जी फैक्ट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज असी ये बेटी मोनिका ये घर आए हैं। ये बेटी 2-4 दिन पहले मैंने पता लग्या, तो असी ये घर आ के देखिया भी ये बेटी लक विच सट लगन करके ये जिहड़े दो मणके सीगे वह गल गए ने, तो जिहड़ा हेठला हिस्सा हेठला धड़ आ वह कम नहीं कर पा रहा, तो ये बेटी जिहड़ी आ अपने पैरों सिर खड़ी नहीं, पैरों के भार खड़ी नहीं हो सकती और उठ के बैठ भी नहीं सकती। ये बेटी 8वीं क्लास की स्टूडेंट है और बहुत अच्छी पढ़ती है, ये सपने बड़े बड़े वड्डे ने। बेटी के सपनों नूं बूर अजे पैना सीगा, बेटी नूं सट लग गई, तो बेटी जिहड़ी अज वो बैड के उपर एक मरीज बन के बैठ गई। सर कितने समय तो ये बैड पे है जी ये लड़की? ये बैड तो जी 3 महीने तो हाँ लगातार, लेकिन ये जी इन्फेक्शन है जी पस पै रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये फादर साहब जोड़े वो एक आटो चलाते हैं, आटो का जोड़ा अपने ड्राइवर है वो वो बद अपना परिवार ये दो बच्चे ने ये अपने च बस उन्होंने रोटी पानी खवा सकते हैं। इन्हें जी माँ है बेटी की वो अज तो 10 साल पहले किसी घरेलू कारण करके चली गई है, तो ये बेटी की परवरिश भी जो फादर कर रहे हैं। तो फादर जोड़े आ वो एक तो बेटी की देखभाल करते हैं, तो एक नाल आटो चला के तो अपने घर का गुजारा ही करते हैं। एक छोटा जहा कमरा वा जिहड़ा जिस तरह एक पुराना गोदाम हुंदा, कोई इत्थे लैटरिंग बाथरूम नहीं, कोई पानी की कोई किन्ना नीवा 5-6 फुट जिहड़ा नीवा वा, भर्ती भी नहीं पा सके। सर की कहना चाहते हो, लड़की बैड पर उठ भी नहीं सकती जी? ना ये उठ सकती है ना ये पासा अपना बदल सकती है। इनू जिन्ना चेर कोई सपोर्ट ना करेगा ये बेटी उठ के बैठ नहीं सकती। इहदी जिहड़ी गर्दन की मूवमेंट है वह भी ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि जदों भी मूवमेंट थोड़ी करती है तो वो जिहड़ी दर्द जिहड़ी उहदा अहसास हुंदा जी। सर होर की प्रॉब्लम है जी ये लड़की नूं? ये बेटी नूं थोड़ी चेस्ट विच इन्फेक्शन है, वो अजे कोई इन्हां दे कराउणगे CT स्कैन जां MRI जो भी कराए, कोई डॉक्टर साहब कहिंदे सी विच इन्फेक्शन आई है, तो वह इन्फेक्शन जिहड़ी वह भी विच हैगी आ, तो हो सकदा वह रोग जिहड़ा पिछला विच पहले हैगा वा उहदे नाल इन्फेक्शन जिहड़ी वधदी जा रही है। सर इस मामले में तुहाडे वल्लों डॉक्टरों के नाल गलबात की गई है, किन्ने दा इलाज जिहड़ा कि हुण तक दस्सिया गया जी? इन्हां दे दसण दे मुताबिक इन्हां दे फादर साहब जिहड़े सी उहनां किसे डॉक्टर नूं पुछिया सी, उह 1.5 तों 2 लख रुपया उहनां दस्सिया सीगा, तो जिस डॉक्टर तो असी पुछिया सी उहने डॉक्टर इहदा इलाज भी लंबा दस्सिया, वड्डा ज़्यादा दस्सिया, और जिहड़ा ट्रीटमेंट दा उहदा टाइम पीरियड जिहड़ा उह ज़्यादा दस्सिया वा, मतलब 1.5 तों 2 साल दा टाइम दस्सिया जी। सर की कहना चाहते हो, होर भी काफ़ी समाज सेवी जथेबंदियां ने, पंजाब सरकार के कई अधिकारी ने इत्थे रहिंदे ने, जदों वोटां हुंदियां ने इत्थे गलियां दे विच आंदे ने, पर इन्हां दी सार नहीं लिती जा रही, उन्हां नूं की कहना चाहते हो जी? मैं जी हरेक बंदे दा आप अपना रोल है,
जिस तरह कोई रोल है, किसी को ड्यूटी का रोल दिता है, किसी को कोई अजक सेवा डॉक्टर की सेवा चलती पी आ, हरेक अधिकारी जो आप अपनी सेवा कर रहा, लेकिन असी ड्यूटी के नाल नाल असी कोशिश कर रहे हैं भी यहोजे जोड़े बच्चे ने, जोड़े पढ़ने वाले बच्चे ने, जोड़े साढ़े देश का आने वाला भविख ने, असी उन्होंने वास्ते कुछ कर सकी। तो सानू बड़ा अच्छा लगेगा जे बेटी अपने पैरों से खड़ी हो जाएगी। सो असी पंजाब पुलिस के ASA दलजीत सिंह जो कि अज इन्हां दे घर दे विच पहुंचे ने, इन्हां दा कहना है कि छोटी जी बच्ची है तो काफ़ी होशियार है, तो 8वीं क्लास के पढ़ती है, तो वो काफ़ी वड्डे सुपने ने पर वह चल नहीं पा रही। तो इस वेले मोनिका साडे नाल ने, उन्हें नाल भी असी गल करांगे कि हाँ जी मोनिका जी की कहना चाहते हो, की होया तुहानू? एक्चुअली मेरे सट लगी सी, 4 महीने हो गए तो सट लगी, सट होने से पहला महसूस नहीं होया, मैनू महसूस नहीं आया, जो महसूस होने लगा बड़ी दर्द होंगी सी मेरे लक च, मेरे दर्द। सो तुसी देख सकते हो कि जिहड़ी नौजवान कुड़ी है वह रो रो के अपना जिहड़ा दुख वह बयान कर रही है। की तुहाडे सुपने ने जी? मैं डॉक्टर बनना चाहनी, बहुत कोशिश कर दी पर हुंदा नहीं आ, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इतना पई रहा। की तुहाडे सुपने की ने? मैं अपना डॉक्टर बनना चाहनी हाँ, मैं पापा ने बहुत पापा ने टाइम पापा ने कहा पापा मेरी एडमिशन करवाओ, मैं डॉक्टर बनना चाहनी। मैं सोच जिससे मैं अपना डॉक्टर बन के अपना क्लिनिक खोलूँगी, अपने पापा की गरीबी दूर करूँगी, क्योंकि बचपन तो उन्होंने कल ने पालिया सानू। तो की कहना चाहते हो तुहाडी मदद लई हुण ASA दलजीत सिंह तुहाडे घर दे विच पहुंचे ने, किदां दी मदद कीती जा रही है तुहाडी? बहुत वड्डी हेल्प की जा रही है, थैंक यू फॉर अंकल कि आप इन तो इन्नी हेल्प करन दे जे तुसी। तां होर वी जिहड़े समाज सेवी जथेबंदियां ने उन्हां नूं की मैसेज देना चाहते हो, की कहना चाहते हो, क्योंकि तुहाडे ते जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा पैसा लगना ते जिहड़ा इलाज होना? उन्हां नूं मैं कहना चाहुंदी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हेल्प करो कि मैं अपने पैरों ते खड़ी हो सकां। सो ऐसी मोनिका जिन्हां नाल गल की गई है तो तुसी देखिया कि किड्डे वड्डे उहदे हौसले ने, पर वह अपने पैरों ते हुण तक खड़ नहीं सकती, जिहदे करके उहदे कहना कि काफ़ी वड्डे सुपने ते अपने परिवार को खुश देखना चाहती है, पर वह अपने पैरों ते खलो नहीं सकती। तो होर भी जिहड़ियां समाज सेवी जथेबंदियां ने उन्हां नूं अपील की गई है कि वह अगे आण के इस बच्ची का जिहड़ा इलाज करावे ते तां जो इह जिहड़ी बच्ची अपने पैरों ते खलो सके। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ASA ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।